हेलो फ्रेंड्स, मैं एच रोशन आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। 66 बीपीएससी की तैयारी का ये अगला स्टेप है, अगला कदम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का धीरे धीरे वीडियो में डाल रहा हूं। अब उसी में एक अलग विषय और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की शुरुआत करने जा रहा हूं। एक ऐसा सब्जेक्ट जो आज सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के बीच परेशानी का कारण बना हुआ है और एग्जाम में बहुत सारे सवाल इससे नहीं बन पा रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रख करके मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बीपीएससी या अन्य एग्जाम में ज्योग्राफी या भूगोल से संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाए उसको हल करने में ये वीडियो क्लास आपको काफी मदद करेगा। इसी को ध्यान में रख करके मैं ये वीडियो के माध्यम से इस विषय को शुरू करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें, ताकि जिस उद्देश्य से मैं शुरू किया हूं कि समाज के अंतिम पंक्ति अंतिम वर्ग तक बैठे हुए स्टूडेंट को इसका लाभ मिले, इसमें मेरी सहयोग करें आप लोग। तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल बटन को दबाएं, ताकि मेरा जो वो जो वीडियो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हम लोग इस नए विषय के साथ एक नए सब्जेक्ट को शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम मैंने लिखा ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी जिसको हिंदी में भूगोल कहते। तो पहला तो समझना है कि ज्योग्राफी जो है ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड जिसको हिंदी में यूनानी कह सकते हैं, और यूनानी शब्द के रूप में इसका प्रयोग सबसे पहले एक व्यक्ति ने किया था जिसका नाम है इराटोस्थनीज, और इराटोस्थनीज ने सबसे पहली बार इस वर्ड को लाया दुनिया में, और इसीलिए इराटोस्थनीज को ज्योग्राफी का पिता कहा जाता है। तो अक्सर पूछ दे तो याद रखना इनको भूगोल का पिता कहते हैं। तो भूगोल का पिता बार बार पूछा जाएगा, और किसी भी विषय के फादर के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है कि कौन इनके एस्टेब्लिशमेंट या स्थायित्व का श्रेय या सम्मान किसको दिया जाता है। तो यह शब्द लाया इन्होंने इराटोस्थनीज ने, यूनान के रहने वाले थे इसलिए इनको भूगोल के पिता के रूप में जानते हैं। अब यहां पर आगे चलते हैं, इस वर्ड के बारे में थोड़ा सा देखेंगे इसका क्या महत्व है, क्योंकि इसी से हम लोग को आगे सभी विषय को पढ़ना है। तो पहला ध्यान रखना है कि ये वर्ड दो शब्दों के मिलने से बना हुआ है, एक शब्द जिसको जियो कहा जाता है, दूसरा ग्राफो है। तो जियो से आप लोग परिचित होंगे, आजकल बिना जियो का लाइफ नहीं चलता है, लेकिन वो जियो और इस जियो में बहुत अंतर है। ये जियो पृथ्वी चला रही है, और आज का जो जियो है वो पृथ्वी को रेगुलेट कर रहा है, मतलब भारतीयों को, कि भारत में सभी लोगों के जीवन को आज पूरी तरह से अपने कवर क्षेत्र में बांध करके रख दिया है जियो, जो इंटरनेट की सेवा देती है। लेकिन यहां पर वो जियो नहीं है, ये जियो का अर्थ नॉर्मली शाब्दिक अर्थ हिंदी में समझें तो पृथ्वी होता है, और ग्राफो का मतलब वर्णन होता है। तो जब हम पृथ्वी का वर्णन करें, जिस विषय में पृथ्वी से संबंधित चीजों को व्याख्या किया जाए वही ज्योग्राफी है, और यहीं से पृथ्वी के वर्णन के लिए एक विषय की शुरुआत हुई जिसको हम लोग ज्योग्राफी नाम देते हैं, और ये वर्ड इलेक्ट्रोसाइंस ने दिया। और ध्यान रखना कि यहां पर पृथ्वी का टोटल चीज, इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य दोनों ही बातें, पृथ्वी के अंदर क्या है, पृथ्वी के बाहर क्या है। लेकिन नॉर्मली जो वाइड स्पेक्ट्रम है वो स्पेक्ट्रम ध्यान रखना है कि पृथ्वी पर जो सतह है ऊपर का, जिसको धरातल कहते हैं, और इस धरातल पर जितने भी चीजें जिसको हम कह सकते हैं निवासी, तो पृथ्वी के धरातल पर जो जो चीजें मौजूद है उनको हम निवासी अगर मान लें, तो निवासियों का अगर समग्र अध्ययन किया जाए तो वो सामाजिक विज्ञान का एक नया विषय हो जाता है जिसको हम लोग ज्योग्राफी कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी पृथ्वी के धरातल पर रहने वाले सभी चीजों का अध्ययन है, जिसमें आंतरिक और बाह्य सभी चीजों की बातों का अध्ययन किया जाता है, जो हम लोग एक एक करके चैप्टर वाइज देखेंगे। चूंकि इंट्रोडक्टरी परिचय है तो पहले ज्योग्राफी के बारे में समझ लें, फिर विषय वस्तु पर आ जाएं। तो दो तीन पॉइंट यहां ध्यान रखना। अब यहां पर ध्यान दें कि ज्योग्राफी सामाजिक विज्ञान ही नहीं, आज हर क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया, जिसको दो इंपॉर्टेंट हम टर्म के द्वारा आपको इसके महत्व को दर्शा रहे हैं। एक महत्व जिसको हम लोग आधुनिक भूगोल कह रहे हैं, मॉडर्न ज्योग्राफी, और जब आधुनिक भूगोल की बात आती है तो आधुनिक भूगोल को शुरू करने का श्रेय एक व्यक्ति को जाता है जिनका नाम है हम्बोल्ड। ये बार बार पूछेगा एग्जाम में कि आधुनिक भूगोल के पिता कौन, तो हम्बोल्ड जो जर्मनी के रहने वाले थे,
और जर्मनी के इस भूगोल वेता ने एक नया कॉन्सेप्ट लाया और भूगोल को वाइड स्पेक्ट्रम के तौर पर इकोनॉमी से, करेंट से, पर्यावरण से, सब चीजों को जोड़ करके आधुनिक भूगोल की शुरुआत करने का श्रेय इनको जाता है। लेकिन भूगोल का जो एस्पेक्ट मानव के संबंध में मनुष्य पर इनका जो प्रभाव पड़ता है उसको हम लोग नॉर्मली मानव भूगोल कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी। और जब मानव भूगोल की बात आती है तो एक व्यक्ति का नाम आता है जिनको रेडजेल कहा जाता है, और रेडजेल फ्रांस के रहने वाले थे। ये ध्यान रखना, तो दो अलग व्यक्ति इराटोस्थनीज के अलावा आधुनिक भूगोल के पिता के रूप में हम्बोल्ट को याद रखेंगे और मानव भूगोल के पिता के रूप में रेडजेल को याद रखेंगे। लेकिन नॉर्मल से भूगोल के पिता पूछे तो इराटोस्थनीज को याद रखेंगे क्योंकि इन्होंने ही ज्योग्राफी की शुरुआत की थी। तो ये तीन महत्वपूर्ण टर्म और बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। आजकल ध्यान रखना है साथियों कि विज्ञान के या किसी भी क्षेत्र के विद्वान के संबंधित देश का नाम बार बार पूछा जा रहा, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो इंपॉर्टेंट है, जो जो विज्ञान के क्षेत्र में या सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में जिन वैज्ञानिकों ने काम किया उनके नेटिव प्लेस, उनके देश के बारे में थोड़ा सा आप लोग हमेशा अवेयर रहें, उनको जानें। अब यहां के बाद जब ज्योग्राफी की बात आती है तो जो हम लोग को पढ़ना है उस ज्योग्राफी में पढ़ने का जो विषय वस्तु है, जो एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण है, उसको हम बंटवारा कर रहे हैं, जिसमें पहला जो सेक्शन है, एक सेक्शन नाम है भारत का भूगोल, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पार्ट है पूरे ज्योग्राफी का। और ध्यान रखना कि किसी भी एग्जाम में सबसे अधिक जो प्रश्न पूछा जाता है वो इसी सेक्शन से होता है। नॉर्मली कुल ज्योग्राफी के सवाल का 60% क्वेश्चन जो होगा वो इसी सेक्शन से पूछा जाएगा आपसे। तो सबसे अधिक भारत के भूगोल से 60% सवाल रहता है, और इसलिए सबसे अधिक ज्योग्राफी पढ़े तो जब पूरे सभी एग्जाम की बात करेंगे तो सबसे अधिक फोकस भारत के भूगोल पर करना। तो ध्यान रखना है कि 60% क्वेश्चंस में इस सेक्शन का योगदान। दूसरा जो सेक्शन होता है, ये दूसरा सेक्शन विश्व का भूगोल होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसको नॉर्मली कई टर्म के रूप में हम लोग याद करते हैं, या तो थ्योरेटिकल ज्योग्राफी कहें, वर्ल्ड ज्योग्राफी कहें, सैद्धांतिक भूगोल कहें, भौतिक भूगोल कहें, फिजिकल ज्योग्राफी, सब एक ही बात। और विश्व का भूगोल से कुल क्वेश्चन का लगभग 40% क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जब पूरा भूगोल पढ़ें तो इस रूप में पढ़ें कि पढ़ना पूरा है लेकिन ज्यादा फोकस आपको इंडियन ज्योग्राफी पर करना है, और फिर जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट सेक्शन है उस पर ध्यान देना है। पढ़ना सब है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा बनने के लिए आपको भारत के भूगोल पर ज्यादा ध्यान देना। इसके अलावा विश्व भूगोल का अगर बांटें तो विश्व भूगोल में कई सेक्शन है। एक सेक्शन है जिसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं, स्थल मंडल, या इसी को अंग्रेजी में लिथोस्फीयर कहा जाता है। तो ये पहला सेक्शन होगा विश्व के भूगोल में। दूसरा जो सेक्शन है इसको जल मंडल कहते हैं, और जल मंडल जो है इसको अंग्रेजी में हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। इसके अलावा तीसरा सेक्शन आएगा, नाम होगा वायुमंडल, और वायुमंडल को एटमॉस्फेयर कहते हैं। और लास्ट में इसी सेक्शन में एक सेक्शन होगा जिसका नाम है सौरमंडल। सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम। और इस प्रकार से आप वर्ल्ड ज्योग्राफी को चार सेक्शन में बांट सकते हैं, और चार सेक्शन के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण पाठ हम लोग को पढ़ना होता है, जिसको एक एक करके देखेंगे। बड़ा सेक्शन है, भौतिक भूगोल की बातें हैं, और ये 40% क्वेश्चन का जिम्मेवारी इस सेक्शन पर होता है। अब यहां के बाद एक बात करें तो हमने इसको एक और सेक्शन में बांटा है, और वो तीसरा पार्ट जो है जो सबसे महत्वपूर्ण हो रखा है आजकल, और उसको हम लोग कहते हैं बिहार का भूगोल। तो ज्योग्राफी ऑफ बिहार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बीपीएससी एग्जाम या बिहार से संबंधित जितने भी एग्जाम होने वाले हैं या हो रहे हैं, चाहे दरोगा की बात करें, बीपीएससी 65 की बात करें, 65वीं की, 66वीं में जो होने वाला, या सचिवालय सहायक की जो बहाली आने वाली है, तो सब मिला करके बिहार के भूगोल का बहुत बड़ा रोल हो गया। और मुझे लगता है कि बिहार के एग्जाम में ज्योग्राफी के 60% सवाल में बिहार का भूगोल ही आजकल हावी है, और इसी का प्रभाव दिखाई देता। तो इस प्रकार से आप लोग
एक पैटर्न बना करके ज्योग्राफी के अध्ययन की शुरुआत करें बिल्कुल सिस्टमेटिकली। अब यहां ध्यान रखना है कि जब भी भूगोल पढ़ें तो इस भूगोल को पढ़ने में एक इंपॉर्टेंट जो बात हम बता रहे हैं कि आप मानचित्र पर बहुत ध्यान दें, मानचित्र जिसको मैप कहते हैं, और मैप से ही ज्यादातर कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में क्लियर होता है। जो भी चीज पढ़ें उसको मानचित्र के माध्यम से पढ़ें और बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल पढ़ें, क्योंकि ज्योग्राफी में इतने सारे फैक्ट्स हैं कि याद करना, मेमोरी रखना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जब मानचित्र से आप पढ़ेंगे तो चीजें आप बहुत आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और मानचित्र जब पढ़ें तो ध्यान रखना है कि ये मानचित्र राजनैतिक होना चाहिए। राजनैतिक मतलब पॉलिटिकल मैप। मैप दो तरह के बाजार में मिलते हैं, एक मैप होता है जो पॉलिटिकल है जो यहां पर लगा हुआ है, और एक मैप होता है जिसको फिजिकल या भौतिक भूगोल कहते हैं, जिसमें प्राकृतिक बनावट के बारे में देखा जाता है। जब राजनीतिक की बात करेंगे तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्शन है, प्रशासनिक जो व्यवस्था बना हुआ है बड़े लेवल पर, या इंडिया में राज्य में जिले क्या है, देश क्या है, कौन से किसी की टेरिटरी कितनी है, राजधानी कहां है, तो ये सब राजनीतिक मानचित्र में मिलता है। तो मानचित्र को ध्यान रखें। और एक चीज ध्यान देना है कि जब भी पढ़ें तो कोई भी एक एटलस का जरूर सहारा रहे, और एटलस की मदद से आप हर चीजों को, जो भी चीज आपको बताया जाए उसको आप जैसे ही यहां कुछ मिले उसको मैप में आप जरूर देखें, क्योंकि यहां पर बोर्ड में इस मैप में सब कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि बहुत छोटी छोटी लिखी होती है। हम जब लाइव क्लास जब अपने नवजीवन कैंपस में लेते हैं वहां भी नहीं दिखता, और दिखने का तरीका यही है कि आप एटलस रखें और एटलस में जब भी कुछ बताया जाए तो उलट कर देखें और जाकर के वहां पर देखने का प्रयास करें कि सर ने जो चर्चा किया था वो कहां पर है, क्या लोकेशन है, उसकी क्या महत्ता, क्या इंपॉर्टेंस है। तो इस रूप में आपको ध्यान रखना है इतना चीज। और अब यहां के बाद ये तो हमने बताया कि विषय वस्तु की बात क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है। अब चलते हैं, हम इसी सेक्शन का पहला सेक्शन आपको शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल में सबसे पहले भारत को समझना है, भारत का पहचान करना है कि वर्ल्ड लेवल पर भारत है कहां पर, और इस भारत का पूरी दुनिया में ग्लोब पर क्या अपना इंपॉर्टेंस है, और जिसको हम लोग भारत का एक भौगोलिक परिचय, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन। तो जब भौगोलिक परिचय की बात आएगी तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, एग्जाम में बार बार सवाल पूछा जाता कि भारत का भौगोलिक रूप से आप परिचय कैसे दे सकते हैं। तो चलते हैं भारत के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि कहां पर क्या इसका महत्ता है, जो आपने सब कुछ देखा होगा, पढ़ा होगा, लेकिन कैसे देखना है, क्या नजरिया होना चाहिए पढ़ने के समय, किस रूप में इसको फोकस करना चाहिए, कैसे ये चीजें याद रख सकते हैं, इन सब पर बात करें। तो चलते हैं पहले वर्ल्ड के नक्शे पर भारत को देखते हैं कि वर्ल्ड में भारत का क्या लोकेशन है और कैसे कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन विस्तार है। तो हम यहां एक ग्लोब बना रहे हैं यहां पर, और इस ग्लोब के माध्यम से ही आपको चीजों को समझाने का प्रयास करेंगे। ग्लोब में ये 0 डिग्री अक्षांश है, विषुवत रेखा, और एक जो है ये 0 डिग्री देशांतर है, इसको हम विषुवत रेखा कहते हैं। और ये जो होता है ये 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच मीन टाइम होता है। तो ग्रीनविच मीन टाइम हम बताएंगे जब आगे चैप्टर आएगा, जब हम ग्लोब पर सभी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लाइन को अध्ययन करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि दो इंपॉर्टेंट लाइन का हमने चर्चा किया, एक विषुवत रेखा का, एक 0 डिग्री देशांतर का। एक 0 डिग्री अक्षांश है, एक 0 डिग्री देशांतर। जब हम 0 डिग्री अक्षांश खींचते हैं ग्लोब पर तो पृथ्वी को दो भाग में बांट देता है। ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो ये ध्यान रखना है दो पार्ट है पृथ्वी का, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, और इसको बांटने का काम विषुवत रेखा करता है, जिसको नॉर्मली भूमध्य रेखा या इक्वेटर भी कहते। तो दो इक्वल भाग में बांटने वाला भूमध्य रेखा कहलाता है, और उसके ऊपर जब आएंगे तो उत्तरी गोलार्ध, नीचे आएंगे दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां पर 0 डिग्री देशांतर को देखें, इसको, इस रेखा को, तो ये रेखा जो है पृथ्वी को दो भाग में बांट रही है। ये वाला सेक्शन जो ऊपर में इस साइड है ये पूर्वी भाग है, जिसको पूर्वी देशांतर कहते हैं, और ये पश्चिमी भाग है या पश्चिमी देशांतर कहते हैं।
अब ये चार जो लोकेशन है इसके आधार पर आपको भारत को देखना, तो ध्यान देना है कि जब भी मैप में ऐसा रेखा देखना है तो विषुवत रेखा को आधार मानना है उत्तर और दक्षिण के लिए। जब देशांतर या ग्रीनविच मीन टाइम को प्रधान मध्यान रेखा की बात करेंगे तो ये पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम में बांट देगी, और इसी के आधार पर पृथ्वी पर भारत के लोकेशन का अध्ययन होता है। और भारत जो है, अब यहां पर हम इसको हटा रहे हैं, पूर्वी को लिखा हुआ था जो, अब यहां पर हम एक छोटा सा रेखा चित्र के रूप में भारत को दर्शा रहे हैं। तो ये भारत ऐसे, ये भारत छोटा सा देश है हमारा वर्ल्ड लेवल, और ये भारत इसी सेक्शन में जो विषुवत रेखा से ऊपर है और इस देशांतर रेखा से पूर्वी देशांतर में। तो एग्जाम में पूछेगा अक्सर कि भारत वर्ल्ड के नक्शे पर कहां है या विश्व में कहां है, तो ध्यान रखना है कि भारत यहां है, और भारत को हम नॉर्मली जो पढ़ते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में है और ये पूर्वी देशांतर वाला भाग में। तो एग्जाम में पूछ दे तो कहना है भारत का जो लोकेशन है विश्व में वो उत्तरी गोलार्ध, और उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ ये पश्चिमी पूर्वी देशांतर में। तो ये ध्यान रखना है उत्तरी गोलार्ध को और पूर्वी देशांतर को, तो बार बार पूछेगा। अब यहां थोड़ा सा लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोकेशन की बात करें तो ये 0 डिग्री है, और ये यहां से लाइन खींचे तो एक यहां से यहां तक एक लाइन, तो यहां पर यहां आएंगे तो भारत का जो तमिलनाडु का क्षेत्र है ये जो सबसे साउथ में है ये नॉर्थ में, तो यहां साउथ और नॉर्थ की बात करें, ऊपर में लद्दाख है सबसे ऊपर और नीचे में तमिलनाडु। तो विस्तार जब देखेंगे, इसका विस्तार दो तरह से देखना होता है और अक्सर एग्जाम में पूछेगा। तो पहला विस्तार, अगर अक्षांशीय विस्तार देखें तो अक्षांशीय विस्तार में, ये अक्षांशीय विस्तार अगर इसका लिखेंगे तो अक्षांशीय विस्तार जो शुरू होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये ध्यान रखना है, ये अक्सर पूछता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, जो अक्सर एग्जाम में पूछेगा। लेकिन ध्यान रखना ये उत्तरी अक्षांश क्वेश्चन में सही देता है, और ये उत्तरी अक्षांश पर ध्यान नहीं रहता, डिग्री पर ध्यान रहता है लोगों का, और अक्सर जल्दीबाजी में गलती कर देते हैं। तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तरी अक्षांश में भारत का विस्तार है। जब इसको ध्यान देंगे देशांतर को, तो ये देशांतर जो है 68 डिग्री, देशांतरीय विस्तार जब देखेंगे तो ये देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 6 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट, जो आपका अच्छा देशांतरीय विस्तार है भारत, और ये विस्तार पूर्वी देशांतर में। तो पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर ये ध्यान रखना, और अक्सर एग्जाम में पूछेगा। अब यहां के बाद ध्यान देना है कि विषुवत रेखा से जब बात आती है यहां पर, तो विषुवत रेखा से ऊपर आए यहां पर, तो ये जो डायरेक्शन है थोड़ा सा विषुवत रेखा से ऊपर है, और विषुवत रेखा से जब लोकेशन लेते हैं तो लगभग ये 876 किलोमीटर विषुवत रेखा से उत्तर में है। तो उत्तर में है या नॉर्थ में है ये ध्यान रखना। तो अक्सर पूछता है कि भारत का लोकेशन विषुवत रेखा से कितना दूर है, तो ध्यान रखना है कि विषुवत रेखा से भारत का जो लोकेशन है वो 876 किलोमीटर उत्तर में है। तो अक्सर पूछेगा। अब यहां से बात करें भारत के इस मैप पर देखें, तो भारत का मैप जो है, एक पॉइंट यहां है सबसे नॉर्थ में, एक पॉइंट यहां है सबसे ईस्ट में, एक पॉइंट सबसे वेस्ट में यहां है पश्चिम में, और एक पॉइंट सबसे नॉर्थ में यहां है साउथ में, और इस प्रकार से चारों पॉइंट को हम मिलाएं ऐसे, तो ऐसे मिलाएंगे तो एक रेखा यहां, ये रेखा ऐसे मिलेगा, और इस प्रकार से आप ये चार सेक्शन को मिला देंगे तो भारत का एक रेक्टेंगल चतुर्भुजाकार आकार में दिखाई देगा। और इसलिए भारत की आकृति का भी पूछ दे तो आकृति को ध्यान रखना कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, और चतुष्कोणीय आकृति के रूप में चार इसके कोण है, और चार कोण में आपको ध्यान रखना है ईस्ट वाला पार्ट सबसे कौन है, ईस्ट के बाद वेस्ट में कौन है, नॉर्थ साउथ में कौन है। तो ईस्ट की बात करें तो ईस्ट में जो सबसे अंतिम में राज्य है वो राज्य है
अरुणाचल प्रदेश। तो ध्यान रखना है कि पूर्वी जो छोर है वो सबसे पूर्वी राज्य जो होता है अरुणाचल प्रदेश। जब ईस्ट के बाद वेस्ट में आते हैं तो वेस्ट में सबसे पश्चिम में गुजरात राज्य है, ये ध्यान रखना। अब यहीं पर नॉर्थ में आ जाएं उत्तर में, तो नॉर्थ वाला जो पार्ट है वो आजकल बदल गया है, इसलिए एग्जाम में याद रखना सबसे पहले उत्तर वाला पार्ट ये है, और ये उत्तर वाला पूरा सेक्शन पहले जम्मू कश्मीर में था, लेकिन अभी 2019 में ये चेंजेज हुआ अमेंडमेंट के बाद, संशोधन करके ये वाला राज्य दो भाग में बट गया है। तो ये वर्तमान में करंट से जुड़ा हुआ विषय, अब जम्मू कश्मीर एक अलग यूनियन टेरिटरी और एक लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में। अब राज्य में पहले जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन अब ये केंद्र शासित राज्य है, और केंद्र शासित राज्य के रूप में नॉर्थ में जो सबसे राज्य है वो लद्दाख है, और लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है केंद्र शासित प्रदेश, तो ये ध्यान रखना। अब यहां के बाद नॉर्थ के बाद साउथ में चलते हैं, तो साउथ में सबसे जो हमारा नीचे वाला राज्य है यहां दिख रहा है ये तमिलनाडु का पार्ट है, केरल यहां तक है लेकिन केरल के नीचे तमिलनाडु का सेक्शन जो कन्याकुमारी या केप केमुरिन के रूप में हम लोग देखते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों कि साउथ में सबसे अंतिम में तमिलनाडु है, और इस प्रकार से ये चार भारत के राज्य हैं जो भारत के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉर्नर पर खड़े हैं, और यही आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा चीजें बदली है और करंट से यहां जोड़कर पूछा जाए। अब ये पूरे भारत की बात करें तो भारत जो है चार कॉर्नर मिलाएंगे तो एक कॉर्नर यहां से यहां ये वाला पार्ट और एक कॉर्नर यहां से यहां ये वाला पार्ट, ये दो लाइन आपको मिलेगा। ये लाइन जो है ईस्ट से वेस्ट गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, इसको जब मेजर करेंगे तो ये जो आएगा इसका किलोमीटर जो आएगा 2933 किलोमीटर, जो आपको ध्यान रखना, और जबकि ये जब लेंगे तो ये 3214 किलोमीटर। तो दो डिस्टेंस है 3214 और 2933, दो इंपॉर्टेंट लोकेशन। तो ध्यान रखना है कि 2933 किलोमीटर ये नॉर्थ साउथ है, ईस्ट वेस्ट पूर्व पश्चिम 2933 और नॉर्थ साउथ 3214, और इस प्रकार से ये भारत की लंबाई और चौड़ाई है। तो अक्सर पूछ दे कि भारत की लंबाई कितनी है, तो भारत की लंबाई पहले तो ध्यान रखना है कि लंबाई जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ है, और नॉर्थ से साउथ में टोटल डिस्टेंस 3214 किलोमीटर का है, जबकि चौड़ाई की बात करें तो ये चौड़ाई जो है ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ है, और ईस्ट वेस्ट में ये डिस्टेंस 2933 किलोमीटर मिलता है। और आपको पता होगा कि जब किसी भूभाग का लंबाई चौड़ाई मिल जाए तो आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और जब भारत के क्षेत्रफल की बात आएगी एरिया की, तो एरिया को ध्यान रखना है बार बार पूछा जाए, और क्षेत्रफल भारत का टोटल जो है वो क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना, तो 32,87,263 किलोमीटर का एक बड़ा देश है जो भारत का क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से या विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है, लेकिन फिर भी बहुत छोटा, क्योंकि क्षेत्रफल पर आकलन करेंगे तो आपको बहुत चीजें पता चलेगा, और जो छत पर आकलन करेंगे तो विश्व के क्षेत्रफल का ये भारत का क्षेत्रफल मात्र 2.4% ही है। तो 2.4% हिस्से पर वर्ल्ड का जो विस्तार है वो भारत का, जो बहुत छोटा देश है, और इस रूप में इसको ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं तो इस 2.4% क्षेत्रफल पर अगर जनसंख्या को स्टडी किया जाए, वर्ल्ड की जनसंख्या, तो जनसंख्या भारत का जो है इसका डाटा आपको ध्यान रखना है कि ये 17.5% विश्व के पॉपुलेशन का, ये 2011 के जनगणना के अनुसार, जब 2001 में बात करते हैं तो 2001 में जब जनगणना हुआ था तो भारत में कुल जनसंख्या का 16.7% विश्व के लोग यहां रह रहे थे, अर्थात यहां जो डेवलपमेंट है ये वृद्धि जो दिखाई पड़ती है 0.8% की, जो 10 साल का दशक की वृद्धि है,
तो एक दशक में भारत की वृद्धि कई बार पूछा गया एग्जाम कि 2001 से 2011 के बीच भारत की कुल जनसंख्या में कितना वृद्धि हुआ, तो 0.8%। और ये भारत का जनसंख्या का रेशियो है वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में। और आपको पता होगा कि पूरे एशिया में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं वर्ल्ड में, और उस एशिया में दो बड़ा कंट्री है, चीन और भारत। चीन सबसे नंबर वन पर है, 140 मिलियन के करीब उसका पॉपुलेशन हो चुका 1.4 बिलियन, जबकि भारत भी लगभग उसको छू रहा है। और बहुत जल्द ही भारत चीन को पछाड़कर विश्व का पहला देश बन जाए। और इस रूप में आपको ध्यान रखना है ये डाटा को। और एक डाटा और हम करेंट से बता दे रहे हैं कि अब ये जो 2019 में जो डाटा आया था, भारत में विश्व के लगभग 18% जनसंख्या भारत में निवास कर रहे वर्ल्ड के। और ये भी ध्यान रखना है कि यहां पर हम एक और डाटा दे रहे हैं कि इसी दौरान भारत के अंतर्गत जो बिहार राज्य है उसकी जनसंख्या 12 करोड़ पार कर गई 11 जुलाई 2019 को। और 11 जुलाई 2019 को 12 करोड़ पार करके भारत का ये जो राज्य बिहार है अपना, ये भारत में सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाला राज्य के रूप में उभर रहा। और इसको सबसे अधिक ग्रोथ रेट के रूप में देखा जा रहा। और इस प्रकार ये ध्यान रखना। अब यहां के बाद कुछ और बातों पर ध्यान दे। अब यहां पर भारत के बनावट को देखें तो भारत का बनावट जो ऐसा है, इसके कारण भारत को एक प्रायद्वीप मानते हैं। और प्रायद्वीप के तौर पर ध्यान रखना है कि भारत का जो प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप में कई महत्वपूर्ण तथ्य है। और प्रायद्वीप के बारे में आपको पता होगा कि वैसा भूखंड जिसके तीन तरफ से जल हो और एक तरफ से स्थल, उसको पेनिनसुला या प्रायद्वीप कहते हैं। तो यहां पर नजर डालते हैं, हम इसको मिटाएं ऐसे। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो भारत का लोकेशन है, यहां से यहां तक गुजरात से लेकर ये ऐसे, यहां से लेकर पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है ये पूरा पानी से, झील से जलमग्न है। तो देख रहे हैं कि नीला नीला जो है सब समुद्र है। ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, इधर हिंद महासागर, और ये तीन तरफ से वाटर से गिरा, तो ये प्रायद्वीप है। और ये जो स्थलीय भाग है जिससे कई देश की सीमाएं टच करती है, और किसी भी देश के लिए बॉर्डर एरिया जो सीमा होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो जलीय सीमा हो चाहे स्थलीय सीमा हो, क्योंकि वहां पर हमेशा सुरक्षा व्यवस्था, दुनिया से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को ध्यान रखना होता है कि कोई भी देश यहां इंटर ना करे, कोई आक्रमण ना करे, हमारे सुरक्षा व्यवस्था पर किसी तरह का कोई भी समस्या खड़ा ना हो। और इसी के चलते इस बॉर्डर सीमा का आकलन करते। और जब सीमा की बात आती है तो दो तरह की सीमा होता है। एक सीमा जिसका नाम है जलीय सीमा, तो ये ध्यान रखना है कोस्टल एरिया। और जलीय सीमा का मतलब वह पार्ट जो समुद्र को टच करता हो। और भारत का समुद्र कहां से कहां तक, तो यहां से गुजरात से शुरू करना है, और ऐसे ये आता है ऐसे होते हुए पूर्वी तट होते हुए पश्चिम बंगाल तक है। और ये सीमा को अगर ऐसे लेंगे तो ये सीमा कुल मिलाकर के 7516.5 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना कि भारत का कुल जलीय सीमा 7516.5 किलोमीटर है, जिसमें ये भी शामिल है, यहां लिखा हुआ है लक्षद्वीप, छोटे छोटे द्वीप है यहां पर 37, और यहां 500 से भी अधिक द्वीप है जिसको अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो इसको, लक्षद्वीप को, अंडमान निकोबार को, और भारत के तटीय जो राज्य है इसको मिला देंगे तो टोटल एरिया 7516.5 किलोमीटर हो जाएगा। जबकि अगर सिर्फ इसको ले, गुजरात से लेकर ये मेन भूखंड का, मुख लैंड का, तो मेन भूखंड अलग है और द्वीप समूह अलग है। तो द्वीप समूह को अलग कर देंगे तो ये बचेगा 6100 किलोमीटर। तो 6100 किलोमीटर मुख भाग का, और टोटल जलीय सीमा 7516 किलोमीटर। जबकि स्थलीय सीमा की बात करें, ये जो स्थल पार्ट है जो दूसरे दूसरे देशों को टच कर रहा, तो ये स्थलीय सीमा है भारत की। और भारत की स्थलीय सीमा जो है, ये सीमा 15200 किलोमीटर। तो ये ध्यान रखना है स्थलीय सीमा को। तो स्थलीय सीमा भारत का 15200 किलोमीटर और जलीय सीमा 7516.5 किलोमीटर। अगर टोटल सीमा पूछ दे तो यहां पर सबको जोड़ देंगे, और जोड़ देंगे तो ये 15 और 7 22, तो 22,527.5 किलोमीटर ये टोटल सीमा हो गया, स्थलीय सीमा और जलीय सीमा को मिलाकर। तो ये ध्यान रखना।
अब यहां के बाद आगे चले तो भारत के बारे में आपको ध्यान रखना है कि भारत जो है एक देश नहीं है, भारत एक सब कॉन्टिनेंट है और सब कॉन्टिनेंट के रूप में इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है और उपमहाद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है सब कॉन्टिनेंट। तो महाद्वीप मतलब होता है महादेश बड़ा बड़ा, जैसे एशिया एक महादेश है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, ये सब महाद्वीप है बड़े बड़े। अब उसी में भारत को एक उपमहाद्वीप का दर्जा दिया गया, सब कॉन्टिनेंट कहते हैं इसको। और सब कॉन्टिनेंट के रूप में जो लोकेशन है भारत और उसके आसपास के देशों का उसको थोड़ा सा ध्यान रखना, और भारत के आसपास के लोकेशन के हिसाब से आपको कुछ चीजों के बारे में पूछा जाए। जैसे अक्सर न्यूज सुनेंगे और बीबीसी जिनको सुनने की आदत होगी, तो जब भी भारत या आसपास के देशों में कोई घटनाक्रम घटता है तो उसको भारत ना कह करके वहां के संवाददाता भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। जैसे वर्ल्ड कप क्रिकेट कभी होगा भारत के सेंस में, तो क्रिकेट मैच होता है तो देखते होंगे नॉर्मली भारत में होने के साथ साथ भारत के आसपास पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब देशों में ये मैच खेला जाता है। और तब कहते हैं कि इस वर्ष का जो विश्व कप है वो भारतीय उपमहाद्वीप में खेला जाता है। अब इसके अंतर्गत कई देश है जिसको भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल करते और उसी को हम लोग को कभी कभी पूछ देता कि इनमें कौन भारतीय महाद्वीप में है और कौन नहीं है। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जब बात आती है तो समझना यह है कि भारत का जो प्लेट है इसको भारतीय प्लेट कहते हैं और इसी प्लेट पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, नेपाल और इवन की श्रीलंका, मालदीव और इसके साथ साथ अफगानिस्तान जैसे देश भी शामिल है। लेकिन मुख्य रूप से ध्यान देना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में तीन देश शामिल है मुख्य रूप से, एक भारत, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। तो ये ध्यान रखना है ये तीन देश मेन हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में, और इसके अलावा इनके अलावा दो जो हैं, एक नेपाल है, भूटान है, इसके अलावा श्रीलंका है, इसके अलावा मालदीव है, और मालदीव के अलावा कभी कभी इसमें अफगानिस्तान को भी शामिल किया जाता है। तो ये जो कुछ कंट्रीज हैं इसका नाम आपको ध्यान रखना, लेकिन मेनली भारतीय उपमहाद्वीप में इन तीनों को शामिल करते हैं और इसके अलावा इनको भी जगह दिया जाता है क्योंकि इनका भी विस्तार भारतीय जो इंटरनल आंतरिक प्लेट है पृथ्वी के अंदर उसमें भारत के प्लेट पर ही इन देशों का भी विस्तार दिखाई पड़ता। यहां की संस्कृति, यहां की बनावट विश्व के अन्य देशों से अलग है, लेकिन इन सब देशों में कुछ न कुछ भौगोलिक समानता पाई जाती है, इसके कारण इसको हम भारतीय उपमहाद्वीप का दर्जा देते हैं। तो अक्सर यहां से सवाल पूछिएगा, अब यहां इतनी चीजों को आप ध्यान रखें जो एक बेसिक तौर पर आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा। अब यहां के बाद हम लोग जो आगे पढ़ेंगे वो भारत के पड़ोसी देशों का एक एक करके स्टडी करेंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछता, आजकल हर एग्जाम में पूछा जा रहा कि किस पड़ोसी देश का हमारे से क्या रिलेशन है, किसकी सीमा कितनी टच करती है, क्योंकि अक्सर सीमाओं को लेकर विवाद होता रहा, चाहे चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हर देश के साथ कुछ ना कुछ डिस्प्यूट है और इसलिए पड़ोसी देश के बारे में थोड़ा सा एक समग्र अध्ययन करना जरूरी होता। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो जो ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है भौगोलिक परिचय के रूप में, और इसी को हम लोग ध्यान रखेंगे और आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे हम अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत और उसके पड़ोसी राज्य की विशेषता कि उसके क्या संबंध है। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में।